देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघड दार देवा आता, उघड दार देवा, उघड दार देवा आता, उघड दार देवा। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का एक और बार स्वागत करता हूँ सोलापुर शहर के बेहतरीन और भन्नाट वॉल पेंटिंग्स के एपिसोड नंबर 3 में। तो आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के दिन जो है अपन सोलापुर शहर के वॉल पेंटिंग्स के सबसे बेहतरीन आर्ट पीसेस को देखने वाले, सबसे बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स को जो है देखने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये वॉल पेंटिंग्स बनाए गए हैं हमारे सोलापुर शहर की शान बढ़ाने के लिए, हमारे सोलापुर शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो इससे पहले जो है हमने 2 अलग अलग एपिसोड्स बनाए थे, तो उन सभी को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, लोगों को बहुत अच्छे लगे। तो इसलिए जो है आज अपन 3रे एपिसोड के लिए आप सभी लोगों को जो है इस बेहतरीन वीडियो में जो है इनवाइट करते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस भन्नाट एपिसोड नंबर 3 को। चलो भाई लोग, फाइनली अपन इन बेहतरीन कलाकृतियों के पास पहुंच चुके हैं। इन बेहतरीन कलाकृतियों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत उठाई गई है। जिस प्रकार से हमने देखा कि एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा कि नार्थकोट हाईस्कूल की बाजू वाली जो दीवार है वहाँ पर बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स बनाई गई थी, तो उन वॉल पेंटिंग्स को हमने देखा। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि हरिभाई देवकरण पाठशाला के सामने जो उड्डान पुल है उसके दोनों ही साइड्स में जो बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है, जो उसके ब्रिज के अंदर जो है बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है, उन सभी चीज़ों को देखा हमने और उन सभी कलाकारों को जो है हमने बहुत बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया। तो आज के इस एपिसोड के दरमियान जो है हम जिला परिषद कार्यालय सोलापुर के बेहतरीन दीवारों पर जो है ज़बरदस्त वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है, उन वॉल पेंटिंग्स को देखेंगे। तो इन सभी वॉल पेंटिंग्स को जो है बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत उठाई है सभी कलाकारों ने। इन सभी बेहतरीन कलाकृतियों को उन्हीं बेहतरीन कलाकारों ने बनाया है जिन्होंने पहले के सभी कलाकृतियों को बनाया था, जिसमें पहले सचिन गायकवाड़ सर, फिर उसके बाद जो है देवेंद्र निंबरगीकर सर, फिर उसके बाद विठल मोरे सर, और उसके बाद जो है प्रवीण रणदीवे सर और उनके पूरे टीम ने मिलकर जो है इन बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स को जो है बनाया है। बहुत ही शानदार वॉल पेंटिंग्स है, बहुत ही बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स है, आप देख ही सकते हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त एब्स्ट्रैक्ट जो है उन्होंने यहाँ पर बनाया है, बहुत ही शानदार जो है एकदम सेल्फी पॉइंट की तरह जो है उन्होंने इन सभी चित्रों को जो है बनाया है, और हर पिक्चर जो है अपनी एक कोई स्टोरी बताता है। तो ये बेहतरीन चित्रों को बनाया है और ये बेहतरीन चित्र जो है इस पूरे वॉल पेंटिंग्स में सबसे बेहतरीन वॉल पेंटिंग है, जिसमें जो है उन्होंने सोलापुर शहर के सभी तीर्थ क्षेत्रों को जो है दिखाया है, जिसमें जो है पंडरपुर के विठल महाराज को दिखाया है, फिर उसके बाद अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज को दिखाया है, फिर उसके बाद जो है गाणगापुर के हमारे दत्त महाराज को दिखाया है, फिर उसके बाद तुलजापुर के तुलजा भवानी को दिखाया है, सोलापुर के हमारे सिद्धेश्वर महाराज जी को दिखाया है। तो इन सभी बेहतरीन लोगों को जो है, इन बेहतरीन देवस्थानों को जो है दिखाया है हमारे सोलापुर का। ये बहुत ही बेहतरीन भाग्य है कि हमारे सोलापुर को जो है बहुत सारे तीर्थ और उसके साथ साथ धार्मिक स्थल जो है मिले हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है सभी पेंटिंग्स को बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है निकाले गए, जहाँ पर रुककर सोलापुर शहर के बहुत सारे जवान बच्चे, जवान लोग जो है बेहतरीन तस्वीरें निकालते हैं अपने, और उसके बाद जो है ये बेहतरीन तस्वीर आपको जो है सोलापुर शहर के प्राचीन और उसके साथ साथ बहुत ही पुराने गड्ढा यात्रा को दिखाती है, पुरानी परंपरा को जो है दिखाती है। सोलापुर की गड्ढा यात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और सोलापुर की गड्ढा यात्रा जो है बहुत ही पारंपरिक यात्रा होती है, बहुत ही बेहतरीन यात्रा होती है, जो सोलापुर शहर के हुम मैदान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मकर संक्रांति के दरमियान जो है मनाई जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यात्रा होती है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जो है इन बेहतरीन यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर जो है सोलापुर शहर का जो RTO नंबर है MH 13 उसको जो है दिखाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है इन सभी जगहों को जो है बनाया गया है, पूरे वॉकिंग एरिया को जो है बनाया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं खेलने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बैठते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये पूरा वॉल पेंटिंग जो बनाई गई है, यहाँ पर जो है आई लव सोलापुर बोल के लिखाया गया है, और यहाँ पर ठहर के बहुत सारे तस्वीरें जो है वायरल हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर आकर तस्वीर निकालते हैं इस बेहतरीन जगह पर, और यहाँ की तस्वीरें जो है बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। फिर उसके बाद जो है ये तस्वीर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, यहाँ पर जो है आपको
सोलापुर शहर की सभी खासियत दिखेगी। यहाँ पर जो है आपको सोलापुर का द्राक्ष उत्पन्न, डाळिंब उत्पन्न, फिर उसके बाद जवारी उत्पन्न, सोलापुर शहर का मालढोक पक्षी, फिर उसके बाद सोलापुर शहर की जुनी मील हाथमाग, उसके बाद जो है यंत्रमाग आपको दिखेगा यहाँ पर चादार शोरूम का, फिर उसके बाद सोलापुर शहर के चारों हुतात्मों को भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो सोलापुर शहर की सभी मशहूर चीज़ों को जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। सोलापुर शहर का भुईकोट किला दिखाया गया है। तो इन सभी बेहतरीन कलाकृतियों को बनाकर हमारे सोलापुर को खूबसूरत बनाने वाले सभी कलाकारों को मेरा शत शत नमन। शुक्रिया आज के इस बेहतरीन व्लॉग को, आज के इस बेहतरीन वीडियो को, एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, ये सभी बेहतरीन वॉल पेंटिंग्स पसंद आई हैं, तो इनको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस बताओ। और उसके साथ साथ जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जो ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड्स को देखने के लिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो बहुत ही बेहतरीन जो है काम चल रहा है सोलापुर शहर में, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आर्ट पीसेस जो है बनाए गए हैं हमारे सोलापुर शहर की शान बढ़ाने के लिए। तो इन सभी आर्टिस्ट को जो है एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने के लिए जो है मैं ये वीडियो सीरीज़ जो है बना रहा हूँ। तो इन सभी आर्टिस्ट को जो है शुक्रिया है, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे सोलापुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।